आज दिल्ली में दो गुटों के बीच हुए मुठभेड़ ने दंगों का रूप ले लिया, जिसे रोकने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। गौरतलब है कि लाठी फुल चार्ज हो गई है और उसे चार्जिंग से निकाल दिया गया है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए हम आपको नहीं दिखा सकते और ना ही हमने खींची हैं। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं और इसलिए हम आपको इसे दिखा रहे हैं। गौर से देखिए इन्हें। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, सिर्फ दंगे भड़काना है, क्योंकि अगर दंगे भड़क गए तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा। तो गौर से देखिए, खून खोलाइए, क्योंकि एक नामर्दी होगा जिसका खून नहीं खोलेगा। भाई भड़क रहे हो कि नहीं भड़क रहे हो? एक पाई चार्ट बना के एनालिसिस करके और भड़काऊं। आज 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं और हर बार की तरह इस बार भी लड़कियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री ने भी उनकी जमकर तारीफ की, जबकि लड़कों की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए उन्हें रख के कूटा। रात भर जग के मैंने आपको ये ग्राफ बना के दिखाए हैं। उनकी जात के लौंडे हमारी जात के लौंडों से ज्यादा नंबर ला रहे हैं। नहीं, चूड़ी पहन लो सालो, चूड़ी पहन लो लड़कियों की तरह। पहले लड़कियों ने बाजी मारी, अब ये हमारा बाजा मारेंगे। एक दिन बराबर में बैठ जाएंगे, हमारे बेसिक ह्यूमन राइट जान जाएंगे। क्यों अंजना? अंतरराष्ट्रीय खबरों में अमेरिका ने रूस के साथ शांति समझौता किया और बोला अब शांत बैठो, जिसके बाद घर जाते वक्त अमेरिका ने खुद अफगानिस्तान पर बमबारी कर दी। अब बढ़ते अंतरराष्ट्रीय खबरों की तरफ। नासा ने आज एक नया देश ढूंढा है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया नाम से मिल गया एक नया देश। इंडिया के ही करीब है और वहां जाने के लिए वीजा नहीं लगता है। तो सवाल यह खड़ा होता है कि अमेरिका में किस बात का एटीट्यूड है, वो क्यों वीजा लेने लग रहा है? इसी बात पे हम बहस करेंगे अपने संवाददाता से, लेकिन घर जाके। अब बढ़ते हैं खेल समाचारों की तरफ। भारत इस बार भी ओलंपिक्स में जाना भूल गया और दूसरी तरफ क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रहे 3 मैचों की सीरीज का 5वां मैच आज बारिश के कारण रद्द करना पड़ा, जिसके बाद भारतीय टीम ने राहत की सांस ली और नुसरत के गाने गाए। स्पोर्ट्स न्यूज में आज कुछ तो दो छोटी खबरें आ रही हैं कि एशियन गेम्स में इंडिया ने 25 गोल्ड मेडल, कितना 15, अब 15 कॉमनवेल्थ में ऐसे कुछ तो जीता है गोल्ड। लेकिन बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ, क्रिकेट में रोहित ने इंस्टाग्राम पे विराट को अनफॉलो किया। तो क्या हम ये मान लें कि विराट के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को घटाने की एक साजिश हो रही है? चलते हैं बात करते हैं अपने क्रिकेट एक्सपर्ट विक्रांत से, जो कि विराट के इंस्टा आईडी के नीचे ही खड़े हैं। विक्रांत, ये बताइए कि आज कौन सा ब्रांड प्रमोट हुआ है उनकी स्टोरी में? नमस्कार, समाचार संध्या में आपका स्वागत है। बीती रात पाकिस्तान ने भारतीय सीमा पर हमला कर दिया, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की कड़े शब्दों में निंदा की है। गौरतलब है कि निंदा करते ही पाकिस्तान के 2 जवानों ने खुद को गोली मार ली। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है एक मेडिकल स्टोर से, जहां हीरोइन के साथ पकड़ा गया एक हीरो। जी हां, दीपिका के साथ डिस्प्रिन की गोली लेने आया था रणवीर सिंह, या लेने आया था डोलो। बोलो बोलो बोलो, पूछता है भारत कब जवाब देगा पाकिस्तान, बोल बे। आज देश में पहले सत्र के चुनाव करवाए गए, जिसमें केवल 20% लोगों ने हिस्सा लिया, जबकि 80% लोग घर बैठ के चिल करते रहे और टीवी देखते रहे। प्रधानमंत्री ने इस पे आश्चर्य जताते हुए पूछा कि भाई टीवी पे क्या आता है, सिवाय एक भड़वे के जो न्यूज पढ़ता है। गौर से देखिए वोटिंग की इस लंबी लाइन को, यह है दिल्ली की जनता जो चंद फैसिलिटीज के लिए लाइन पे आ गई है और वोट देने निकल पड़ी है। दिल्ली की जनता को किसी की नहीं पड़ी, उन्होंने उस पार्टी को वोट दे दिया जिसे मैं सपोर्ट भी नहीं करता। इन्हें बस डेवलपमेंट चाहिए, इनको बस जॉब्स चाहिए, इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि मेरी जॉब चली जाएगी, मेरी पेमेंट रुकी हुई है। वाह भाई वाह। बंबई में स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके बाद पूरे बाजार को खाली करवाना पड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करते हैं हमारे संवाददाता राजू से, जो इस वक्त घटना स्थल पर ही मौजूद है। राजू, क्या हाल है वहां पे? राजू, आपका संपर्क टूट रहा था, आपकी आवाज जो है हमें साफ नहीं सुनाई दी, क्या आप इस बात को दोहरा सकते हैं? पीसीओ पे खड़े हैं, पैसा खत्म हो गया हमारा, दोबारा सुनना है तो कॉल बैक करिए, आपका बाप पैसा नहीं दे गया था। खैर, मोटा मोटी तो बात समझ आई गई है।
कहीं आग लग गई थी और क्षति वती। आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा स्थित एक मॉल में सेल लगी थी जिसकी वजह से वहां के लोग छछा गए और भगदड़ मच गई। हमारा रिपोर्टर भी वहीं मौजूद है, आइए जानते हैं उससे क्या चल रहा है। रिपोर्टर जी ये बताइए कि कैसी गंभीर स्थिति है वहां पे। जी बिल्कुल, कुछ मिला आपको सेल में? हाँ वही मैं। और इस बात पे भी रोशनी डालिए कि सब कुछ गोल गले में ही है कि वी नेक का भी कुछ जुगाड़ है। मैं जब और ये मत बताइए कि पुलिस आई कि नहीं है, ये बताइए कि जान माल की क्षति क्या हुई है। मेरी जान? क्योंकि आपकी जान तो एक नंबर की माल थी, उसको कुछ नहीं होना चाहिए, छाती पीट लूंगा मैं। अरे बोलने देना मादर चोद। बिल्कुल बताइए, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त आ गया है, निकलना पड़ेगा।